दोस्तों पाकिस्तानी टीम ने वेस्टइंडीज टीम को क्लीन स्वीप कर दिया है। वेस्टइंडीज के साबिक कप्तान और मायानास ऑलराउंडर क्रिस गेल ने भी पाकिस्तानी टीम के बारे में जज्बाती बयान जारी कर दिया। वेस्टइंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल पाकिस्तानी टीम और बाबर आजम के बारे में क्या कहते हैं, इसी के मुताबिक पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। पाकिस्तानी टीम ने वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप कर दिया है और तीनों मैचों में शर्मनाक शिकस्त दे दी है, जिसके बाद वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल ने बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम के बारे में जज्बाती बयान जारी कर दिया। क्रिस गेल का कहना है कि पाकिस्तानी टीम एक मजबूत टीम बन चुकी है और अब पाकिस्तानी टीम को हराना नामुमकिन हो चुका है। पाकिस्तानी टीम का मुकाबला करना भारत की टीम की बस की बात नहीं। बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का नंबर वन खिलाड़ी बन चुका है, वो विराट कोहली को बहुत पीछे छोड़ गया है। आप वेस्टइंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।